स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेक एजुकेशन इजी। स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर चल रहा था और उसमें आज हम जिस टॉपिक पे पहुंचे हैं वो है एसिड रेन। तो आज हम एसिड रेन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अगर देखें कि एसिड रेन है क्या, इसको डिफाइन कैसे किया जाए, तो एसिड रेन वो रेन है जिसकी पीएच जो है वो 5.6 से लेस होती है, यानी नॉर्मल रेंज की जो हमारे पास, यानी नॉर्मल जो रेन होती है उसकी जो पीएच है, ठीक है। एसिड रेन में क्या होता है कि वो पीएच जो है वो 5.6 से कम हो जाती है, यानी अगर नॉर्मल रेन की पीएच 5.6 है, तो अगर हमारे पास 5.6 से पीएच जरा से भी कम होगी तो उस रेन को हम कहेंगे एसिड रेन। तो हम डिफाइन कर लेते हैं कि एसिड रेन इज डिफाइंड एज द रेन हैविंग पीएच, ठीक है। पीएच आपने हमेशा याद रखना है कि पीएच में आपने पी को स्मॉल और एच को कैपिटल लिखना है, ठीक है। तो एसिड रेन इज डिफाइंड एज द रेन हैविंग पीएच लेस देन 5.6, ठीक है। तो ऐसी रेन को हम कहेंगे एसिड रेन, ठीक है। तो ऐसी रेन को कहेंगे एसिड रेन। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें पता है कि नॉर्मल रेन वाटर जो होता है उसकी सेचुरेशन हुई भी होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है, और उसकी पीएच जो है वो 5.6 होती है, ठीक है। जब 5.6 से लेस होगी तो एसिड रेन होगी, लेकिन नॉर्मल रेन की पीएच 5.6 होती है, ठीक है। अब रेन की एसिडिटी इंक्रीज कैसे होती है रेन में? एसिडिटी रेन की इंक्रीज होती है स्पेशली पोल्यूटेड एरियाज में, ठीक है, और जब थंडर स्टॉर्म आता है तब जो है वो रेन की एसिडिटी इंक्रीज होती है। तो हम यहाँ पे एक रीजन लिख लेते हैं कि एसिडिटी ऑफ रेन इंक्रीजेस, ठीक है। एसिडिटी ऑफ रेन इंक्रीजेस कब इंक्रीजेस होती है और कैसे? इन पोल्यूटेड एरियाज, यानी जो जिन इलाकों में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे जब एसिडिटी ऑफ रेन जो है वो बढ़ती है, और किस वजह से बढ़ती है, तो वो है हमारे पास ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, जब तूफान वगैरह और बारिश के साथ थंडर स्टॉर्म होता है, ठीक है, बिजली वगैरह लाइटनिंग भी होती है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमारे पास जो एसिडिटी ऑफ रेन है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर हम इसकी इक्वेशंस को देखें, ठीक है, तो हमें पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करता है और हमारे पास पावर प्लांट्स बनते हैं, सही है। और उसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड किस लिए यूज़ होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ऑटोमोबाइल्स में से, व्हीकल वगैरह में से जो एग्जॉस्ट फ्यूम निकलते हैं उसमें हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड मौजूद होती है, ठीक है। और वो जो एग्जॉस्ट फ्यूम में से जो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है वो हमारे रेन वाटर में डिसॉल्व होती है, और जिसकी वजह से हमारा जो रेन है उसको हम एसिड रेन कहेंगे। तो मैं यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी लिख देती हूँ कि हमारे पास क्या हो रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो हमारे पास SO2 है, ठीक है, वो हम फॉसिल, वो कहाँ से आता है? फ्रॉम पावर प्लांट्स, ठीक है, पावर प्लांट से हमारे पास आता है, फ्रॉम पावर प्लांट्स, और कैसे आता है? यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स की वजह से हमारे पास जो है वो SO2 रिलीज होता है। अगर हम SO2 की इक्वेशन लिखें, जो हम ऑलरेडी भी कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास सल्फर ट्राई ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह जब सल्फर ट्राई ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा और सल्फर ट्राई ऑक्साइड अब प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, डाइऑक्साइड से ट्राई ऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया, तो जाहिर है जब ट्राई ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ तो उसने कर लेना है दोबारा से वाटर के साथ रिएक्शन, लिक्विड वाटर के साथ वो रिएक्शन करेगा। जब वो लिक्विड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 फॉर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास रेन जो है वो, उसमें एसिडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, अब हम दूसरा पॉइंट मैंने कौन सा बताया, दूसरी हम बात करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कहाँ से आते हैं? जो कि एग्जॉस्ट फ्यूम्स, ऑटोमोबाइल्स के एग्जॉस्ट फ्यूम्स में से आता है, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स फ्रॉम एग्जॉस्ट फ्यूम्स, ठीक है, एग्जॉस्ट फ्यूम्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, गाड़ियों के वगैरह के जो एग्जॉस्ट में से जो फ्यूम निकलता है, ठीक है, जो धुआं निकलता है वो क्या होता है? डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व्ड इन रेन वाटर, वो जो हमारा रेन होता है बारिश के पानी में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होता है? प्रोड्यूसिंग एसिड रेन, ठीक है, प्रोड्यूसिंग एसिड। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास उस रेन वाटर में जो है वो एसिड आ जाता है। तो इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन ऑक्साइड को देखें, तो अगर हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को देखें, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और एट द सेम वे वाटर से रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास एक एसिड फॉर्म होगा, दैट इज नाइट्रिक एसिड HNO3,
तो अब देख सकते हैं कि हमने दो चीज़ें देखी हैं कि इन इन दो चीज़ों से हमारे पास जो है रेन में एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। तो आपकी बुक में यही दो एक्सप्लेन है, उसके अलावा भी और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से एसिड रेन जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो आज हमने ये एसिड रेन की जनरल डेफिनेशन देखी और उसकी डिस्कशन की कि एसिड रेन प्रोड्यूस कैसी होती है। नेक्स्ट अब हमारे पास जो चीज़ रह गई है वो रह गए हैं उसके अफेक्ट, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।